पहला इंटरव्यू है मेरा। अच्छा सर, आपने अटेम्प्ट पहला इंटरव्यू है थर्ड मेन साहब। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2021 का साक्षात्कार चल रहा है और कैंडिडेट बाहर निकल के आए। आइए जानते हैं इनसे कि क्या रहा है माहौल अंदर का, क्या है एजुकेशन बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें। सर, आपका शुभ नाम क्या है? वेद प्रकाश नाम है मेरा। सर सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा ग्रेजुएशन पीजी एंड बीएड किया हुआ है। अच्छा। 4 बार नेट क्वालिफाइड। अच्छा सर, आपका अटेम्प्ट ये कौन सा है? सॉरी, अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था सर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि कुछ जूनियर छात्र भी चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे आपने क्या पढ़ा, कैसे उनको सफलता, करंट अफेयर को लेकर के, जीएस को लेकर के? देखिए, करंट अफेयर के लिए 2 मैगजीन्स अपनाइए, कोई भी, चाहे आप घटनासार ले सकते हैं और एडिटोरिया, अच्छा उसमें संकलन दे रखा है करंट के लिए। और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगाएं और बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। और सर, मेंस के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? ऑप्शनल के लिए कुछ, कौन से राइटर के आपने बुक पढ़ी है, कैसे पढ़ा है? ऑप्शनल के लिए मोस्टली सविंदर सिंह हमारा भौतिक भूगोल के लिए है, और माजिद हुसैन ये थॉट्स के लिए है, और आरसी तिवारी हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और काफ़ी सारी बुक्स हैं इनको, मतलब क्रम से देखा जाए आरती चंदाना पढ़ लीजिए जनसंख्या भूगोल के लिए। अच्छा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करें और उनसे हमें पता लगता है कि टैकल कैसे करना है। अच्छा, ठीक है सर। और सर, इसके पहले आपने तैयारी कहाँ से की? मोस्टली मैं एक IASPCS संस्थान है हापुड़ में, वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ निरंतर, और वहाँ बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल है। बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की है और दृष्टि IAS से भी मैंने पढ़ाई की है कुछ। अच्छा, सर मॉक इंटरव्यू आपने दिया है? मैंने किस अपने संस्थान में ही मॉक इंटरव्यू दिए हैं। उसका बेनिफिट कुछ है सर? बेनिफिट है, हम कंफर्ट जो कंफर्ट जोन होता है और हमें जो एजिटेशन रहती है वो निकल जाती है, तो देने चाहिए मॉक इंटरव्यू, देने चाहिए। सर, हमारे नए जुड़े छात्रों के लिए कुछ सलाह सुझाव देना चाहें किस प्रकार से वो तैयारी करें कि इस स्तर तक, यहाँ तक पहुँच सकें वो? देखिए, सबसे पहले हमें मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर प्री की तैयारी स्टार्ट की है, आपको सिविल सर्विसेज में आना है, तो हमें उससे मेंस की पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, इसके लिए हमें अपने जो ऑप्शनल है, सामान्य हिंदी है जो 150 नंबर की है, ऐसे है, और एथिक्स सबसे ज़्यादा जोर इन्हीं सब्जेक्ट पर देना चाहिए। बाकी GS के लिए घटना चक्र का पब्लिकेशन जो बुक्स निकालते हैं वो अच्छा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन किसी सर बड़े पद पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस यस। अच्छा सर, आपका ये मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ऑप्शनल ज्योग्राफी। सर, अंदर कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे गए छात्रों से, यदि डिस्कस करना चाहे ऑप्शनल से रिलेटेड, करेंट मुद्दे को लेकर के, क्या चीज़ें पूछी? मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑप्शनल से पूछे गए, और जैसे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या है अरुणाचल का, और जो हमारे यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, और GST से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, हमारा जो रेवेन्यू है, हम सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहाँ होता है और कब लागू हुआ, और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। अच्छा, ठीक है।